नमस्कार साथियों। दोस्तों, लक्ष्मी को पाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, जिससे कि लक्ष्मी आए, पैसा आए, धन दौलत आए। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि लक्ष्मी चलायमान होती है, वह एक जगह टिक के रहती ही नहीं है। तो आज हम जानेंगे लक्ष्मी को हम हमेशा के लिए कैसे पा सकते हैं। सिर्फ एक ही उपाय ऐसा है जिससे हम लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में वास दे सकते हैं। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आएगी और जाएगी भी नहीं, हमेशा के लिए आपके घर में रहेगी। तो आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी, जिसके द्वारा हम जानेंगे कि लक्ष्मी को हम कैसे पा सकते हैं और हमेशा के लिए कैसे अपने घर में वास दे सकते हैं। तो एक सेठ था दोस्तों, उसके तीन बेटे थे और तीनों की शादी हो गई थी, तीन बहुएं थी। तो वो सेठ एक बार सो रहा था, रात में उसके स्वप्न में लक्ष्मी आई। तो लक्ष्मी बोली कि सेठ, अब मैं तेरा साथ छोड़ के जाने वाली हूँ। तो सेठ बोला, अरे लक्ष्मी, तू चली गई तो मैं क्या करूँगा, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तू है तो सब मेरा सम्मान करते हैं, तू है तो सब मुझे राम राम करते हैं। तो लक्ष्मी बोली, सेठ तुझे तो पता है मैं एक जगह टिक कर नहीं रहती हूँ, मैं तो चलायमान हूँ, मैं तो हमेशा एक जगह नहीं रह पाती हूँ, मैं तो इधर उधर जाती रहती हूँ। तो सेठ बोला, अरे लक्ष्मी माँ, नहीं ऐसा मत करो, मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, नाते रिश्ते छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। जब सेठ गिड़गिड़ाया तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि सेठ, तू इतना रो रहा है तो चल, मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। तो सेठ ने बोला, अच्छा आप मुझे वरदान देंगी। सेठ थोड़ा खुश हो गया। तो सेठ ने बोला, लक्ष्मी माँ आप मुझे वरदान दीजिए, लेकिन आप मुझे एक मौका और दीजिए जिससे कि मैं अपने घर पे विचार कर सकूं, अपनी बेटों से बहुओं से पूछ सकूं। तो लक्ष्मी माँ ने कहा, ठीक है, तू पूरा दिन है, तू अपनी बेटों और बहुओं से पूछ लेना और कल रात्रि में फिर मैं आऊँगी, तभी मैं तुझे एक वरदान दे कर जाऊँगी। तो सेठ खुश हो गया। उस सेठ ने सुबह जब अपने बेटों को बताया और बहुओं को बताया, तो बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, लक्ष्मी तो जा रही हैं, ऐसा करो जब वो एक वरदान दे रही हैं तो आप सारा सोना मांग लो उनसे, पूरी दुनिया में जितना सोना है वो अपने घर में ले लो, अपने पास मांग लो। सेठ बोला, अरे नहीं, ये विचार नहीं सही है। दूसरी बहू से पूछा, दूसरी बहू ने कहा, पिताजी आप अपने लिए इज्जत सम्मान मांग लो, हमेशा के लिए हमारा इज्जत सम्मान हो। सेठ ने बोला, इतने से भी काफी नहीं होगा, जब लक्ष्मी ही चली जाएगी तो। छोटी बहू का नंबर आया, छोटी बहू ने बोला कि पिताजी, ना आप धन दौलत मांगो, ना आप सोना चांदी मांगो, ना आप इज्जत सम्मान मांगो। तो दोनों, जो बड़ी और बीच वाली बहू थी, वो कहने लगी, अरे छोटी बहू तू क्या कह रही है, ये सब नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे। तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप
केवल इतना मांग लो कि हम बहन बेटी तीनों बहुएं मिलकर आराम से रहें, प्रेम से रहें हमेशा, हम लोगों में कभी झगड़ा ना हो, कभी मन मुटाव ना हो, और अपने परिवार में सभी लोग बहुत प्यार से रहें। तो सेठ ने सोचा, बहुत विचार किया इस बात पर। अगले रात जब लक्ष्मी जी दोबारा से आई उसके स्वप्न में, उस सेठ से बोली, सेठ अब बता क्या सोचा है तूने। सेठ ने बोला, लक्ष्मी माँ मैं बस इतना चाहता हूँ, आप जा रही हैं तो चली जाओ, लेकिन मेरे घर में सुख शांति और प्यार से रहने लगे सब, कभी झगड़ा ना हो, कभी मन मुटाव ना हो। तो लक्ष्मी माँ बड़ी खुश हुई। लक्ष्मी माँ ने बोला, अरे सेठ ये तूने क्या मांग लिया, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ, मैं तेरा घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या उपाय बताना चाह रही हूँ। जिस घर में प्यार होता है दोस्तों, उस घर में लक्ष्मी हमेशा वास करती है। दोस्तों अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, हमारे परिवार में प्रेम भावना सब होगा, तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करिए। तो दोस्तों इस कहानी के लिए धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।